स्वागत है आपका आपके चैनल एवी एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालने के बारे में, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या होती क्या है और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या कहते कैसे है। देखिए, जब हमारी कोई संख्या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखी होती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पी यानी P और Q क्या होता है हमारे, Q हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है और पूर्णांक होता है और जहां जहां Q इज नॉट इक्वल जीरो, इज नॉट इक्वल, इसको क्या कहते हैं, इज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल जीरो यानी क्यों हमारा जीरो के बराबर नहीं है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमें आपको ले लेते हैं, यहाँ पे 2/5 लिखा है। क्या लिखा है? 2/5। ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी जो भी संख्या हमारी बटे में लिखी होती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 6/2, ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। अब जैसे यहाँ पे 9/4, ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 6/2, फिर यहाँ पे मान लीजिए 6/2 नहीं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जैसे 7/5 इतना लिखा है, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये क्या हमारा? परिमेय संख्या है। तो अब बात करते हैं हम फ्यूचर के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ दिया है, यहाँ पे ये अंडर रूट में दिया है हमारा 256/441। इसका क्या निकालना है हमको? इस ये हमारी परिमेय संख्या है, देखिए बटे में है ना, बटे में दिए हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। इसका क्या निकालना है हमको? वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हमने वर्गमूल का निकाला था और घनमूल का निकाला था, वैसे इसका भी निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए जैसे आपको दिया है 256/441 दिया है, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले किसका निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे 256 का, फिर निकालेंगे 200, यहाँ पे 441 का निकालेंगे। तो देखिए पहले 256 का हम निकालते हैं, यहाँ पे बराबर करके हम देखिए यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं हम 256 का। 256 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, यानी पहले से फैक्टर करेंगे, यानी इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए हमारा इकाई 6 है, यानी यहाँ पर 2 से ये कर सकता है। किससे कर सकता है? 2 से। तो देखिए 2 से कर सकता है, तो यहाँ पे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 1 कम 2 हुआ, फिर 2 2 4 1 इसके पास गया, कितना हो गया? 2 8 16, कितना हो गया? 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। उसके बाद ये फिर यहाँ पे 8 है, फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 6 12 और 2 4 8, 2 6 12 2 4 8 हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 3 6 2 2 4 हो गया, ये भी हमारा कट गया। अभी देखिए यहाँ पे फिर 2 है, यानी फिर 2 से कटेगा हमारा। देखिए 2 1 कम 2 1 इसके पास गया, 2 6 12, फिर देखिए यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे हम, यहाँ पे 6 है ना लास्ट में, यानी 16 तो कटेगा ही, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8 हो गया, फिर देखिए 4 आया, फिर 2 को काटेंगे हम, 2 2 4 हुआ, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 2 1 कम 2 क्या करेंगे? 2 1 कम 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा 256 का हो गया, अब क्या करेंगे हम 447 का निकाल लेते हैं। इसके बारे में देखिए 447 का हम निकालेंगे पहले, हम अब 447 का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम 1 है, तो पहले हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। यहाँ पे जब 3 से काट रहे हैं हम, कितना हो गया यहाँ पे, 3 1 कम 3 क्या हमने, 1 इसके पास चला गया, 14 हो गया, 3 4 12, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 इसके पास चला गया, कितना हो गया? 21। तो 3 7 21 हो गया। फिर देखिए 3 से काटेंगे हम, 3 4 12, 2 इसके पास चला गया, कितना हो गया? 27। तो कितना हो गया? 3 9 27 हो गया, कितना हो गया? 3 9 27 हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमारा 9 है, यहाँ पे 4 है, अब अगर 3 से काटेंगे तो नहीं घटेगा, हम 7 से काटेंगे।
तो 7 7 49 हो गया, 7 1 7, ये हमारा कट गया। जब ये हमारा कट गया, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम, इसे लिख देंगे, इसे हम ऐसे लिख देंगे, यहां पे ऐसे लिख देंगे। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है 256 बटे नीचे कितना है 441। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 256 अंडर रूट बटे बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में 441, इतना हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, पहले इसका वाले का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो पहले पहले वाले का हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन यहाँ पे देखिए बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, यहाँ पे हमने ये ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। अब देखिए पहले इसका 256 का हमने जितनी भी संख्या काटा है उसका पेयर बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले जितनी भी संख्या काटा है यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे कितनी बार दो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार गया, तो 8 बार यहाँ पे लिखेंगे दो। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 × 2 8 हो गया हमारा, ये हमारा 256 का हो गया, ये 256 का हो गया। यहाँ पे 256 यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे एक है, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने इक्वल करके 256 हमने लिख दिया, फिर नीचे कितना है यहाँ पे 441। इसका हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो पहले 256 का हमारा जितना फैक्टराइजेशन था हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे 441 का लिखेंगे। देखिए 441 का काम क्या, यहाँ पे लिखा हमने, तो कितनी बार दो, तीन हमारा 2 बार है, तो 3 को हमने 2 बार लिखा, यहाँ पे 3 × 3 हो गया। फिर 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 7 को लिखा हमने, ये 7 × 7 हो गया, क्या हो गया 7 × 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम दो दो का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बना, यहाँ पे 2 है 2 बार, यहाँ पे 2 का पेयर बना, यहाँ पे 2 का पेयर बना। अब देखिए यहाँ पे भी 3 है 2 बार है, 2 पेयर बना हमारा, 7 2 बार है, 3 पेयर बना हमारा, ये बन गया, ये हमारा इतना हो गया। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इतना हो गया, आप क्या करेंगे, इसमें से सब में से दो दो ले लेंगे हम, कितना ले लेंगे, दो दो ले लेंगे। यहाँ पे देखिए जगह जगह नहीं है, इधर लेंगे हम, यहाँ पे 2 2 2 यानी 4 बार दो आएगा सब में से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया 4 बार हमने लिख लिया। उसके बाद नीचे वाला कितना है हमारा, यहाँ पे ये इसे हमने ऐसे लिख लिया। अब फिर यहाँ पे देखिए इसमें कितना है हमारा, 3 1 बार मतलब एक जोड़ा है हमारा, क्या करेंगे 3 को 1 बार लिखा, फिर 7 हमारा एक ही है, एक जोड़े में यानी एक पेयर है, हम क्या करेंगे 7 को 1 बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 × 2 = 4 × 8 × 16 कितना आया, 16 आया। उसके बाद इसका करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 3 × 7 = 21, कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21। और वर्गमूल को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं हम, यहाँ पे इसके आगे लगा देते हैं प्लस माइनस, क्यों लगाते हैं वर्गमूल में हमने बताया था। देखिए फिर से मैं बार बता दे रहे हैं क्यों लगाते हैं प्लस माइनस। देखिए अगर हम 4 + 4 × यहाँ पे + 4 इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। फिर यही देखिए यहाँ पे 21 है, तो प्लस यहाँ पे माइनस भी कर लेंगे। देखिए माइनस में 3 × यहाँ पे 3 × −7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 × 7 = 21 कितना हो जाएगा 21, दोनों हमारा प्लस में है। तो यानी इसका मतलब है इसे हम प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं, इसमें प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसमें इसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये हमारा 256 का यानी 256 और 441 441 यानी 256 और 441 यानी फाइनली सीखा गया हमारा क्या है, यहाँ पे वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब है कि जब आप प्रेस करेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।